हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है वीडियो 8 में। सीरीज का वीडियो 8 होने जा रहा है। अगर आपने पहले 7 वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है, जहाँ पे आपको स्टडी मटीरियल शेयर किया जाता है। तो चलिए, ये सीरीज चल रही है, ये 8वां वीडियो है और ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम कश्मीरी में इनको कहते हैं काल, काल, और उर्दू में कहते हैं जमाना। ओके, शाबाश। काल, ये तीन तरह के टेंसेस होते हैं। हमें इसमें टाइप्स के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें तीन तरह के जो टेंसेस है खाली उनको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, पथकाल, पहला टेंस जो है पथकाल, जिसको आप इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं और उर्दू में इसी को माजी कहते हैं। फिर इसी तरह दूसरा है अजकाल। अजकाल ये प्रेजेंट हो गया, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहते हैं और उर्दू में इसको हाल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले आप देखो, इंग्लिश में टेंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और कश्मीरी में पथकाल, अजकाल, यनवलकाल, पथकाल, अजकाल, यनवलकाल। और उर्दू में कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। हाजी, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो सबसे पहले हम पथकाल, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन और यहाँ पे समझना है कि पथकाल पास्ट टेंस क्या होता है। इसके टाइप्स आपको नहीं पढ़ने, इसके और से टाइप्स हैं, वो आगे आप जब हायर क्लास में 11th या 12th में चूज करोगे इस सब्जेक्ट को, वहां पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ अगर आप बड़ी कोई डिग्री लेते हो, इसमें बैचलर्स की डिग्री लेते हो, वहां पे इसको चूज करते हो, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे क्लास 10 तक आपको इसके टाइप्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही है, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे भी लिख लें और यही लिखे। देखिए, मैंने तीन डेफिनेशन जो लिखी है ना, सारी की सारी रिलेटेड है और एग्जाम्पल्स भी रिलेटेड है। मैं समझाता हूँ आपको। युगो सुकाल यथमस क्रातुच, यानी कि फाल हालत गुजरामुद काल हावान आस। युगो सुकाल यानी कि पथकाल, पास्ट टेंस, ये वो समय है, ये वो वक्त है। यथमस क्रातुच, क्रावत कहते हैं फाल को, जो काम करने वाला होता है, ठीक है। हालत गुजरामुद काल हावान आस, यानी कि जो निकल चुका होगा, पास्ट, जो हो चुका होगा काम, उसको दिखा रहा हो, उस हालत को दिखा रहा हो, उसको हम माजी कहते हैं। मतलब क्यों, मिसाल क्यों खा लिया, ठीक है, ग्युंद मैंने खेल लिया, या पोर मैंने पढ़ लिया, ये सारे क्या हैं, पढ़ लिया हो चुका है, ठीक है। खेल लिया यानी कि खेल लिया, खत्म हो चुका है खेल अब। इसी तरह मैंने खा लिया, मैंने खाना खा लिया, खत्म हो चुका है, तो ये सारे काम खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम इसको इस जुमरे में डालते हैं। किस जुमरे में, पथकाल यानी कि पास्ट टेंस के जुमरे में। मिसाल देखो, जुमला देखो क्या बनेगा, मैं क्यों बत मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, हो चुका है काम, तो इसको हम पथकाल कहेंगे। या दूसरा, ऐसी गुंद मैच, हमने मैच खेल लिया, मैच हो चुका है। इसी तरह तीसरा, मैं पोर सबक पढ़ लिया, ये हो चुका है, ये काम इसने कर लिए हैं, और इसको हम पास्ट टेंस या पथकाल कहते हैं, ठीक है। अब एक जुमला आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इसी पथकाल का, पास्ट टेंस का, माजी का एक जुमला ऐसा बताइए जिससे जाहिर हुआ हो रहा हो कि फाइल जो है, जो काम करने वाला है, इसने ये काम कर लिया है। नंबर सेकंड, अजकाल, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस हाल, यानी कि प्रेजेंट, जो हाल में जो चल रहा है। ये वो सुकाल यथमस क्रावतिश हरकत मौजूद जमान हावान अस, ये वो समय है, ये वो वक्त है जिसमें क्रावतिश हरकत, क्रावत यानी कि काम करने वाला, फैल जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी हरकत को मौजूदा क्रावतिश हरकत मौजूद जमान हावान अस, जो क्रावत की हरकत है, जो उसका काम है, वो प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा हो, जो हाल है इसको दिखा रहा हो। दक्ष अजकाल बनाम, और उसको अजकाल कहा जाता है। मिसाल जैसे ख्यावान खाना, गिंदान परान, ये क्या है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं, इसलिए इनको प्रेजेंट टेंस या आजकाल कहा जाता है। जुमला देखो, बुछुस बत ख्यावान, मैंने यहाँ पे लिखा था मैं क्यों बत, मैंने यही जुमला यहाँ पे भी लिखा है, ये पास्ट में था, ये हो गया था, इसने खा लिया है, लेकिन जब ये खा रहा होगा तो क्या कहेगा, बुछुस बत ख्यावान, जब प्रेजेंट चल रहा होगा, बुछुस बत ख्यावान, ये खा रहा है अभी, प्रेजेंट काम कर रहा है। अश मैच गिंदान यानी कि खेल रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसी गुंद मैच, पास्ट में बता रहा है कि ऐसी गुंद हमने खेल लिया, लेकिन प्रेजेंट में जब ये खेल रहे होंगे तो क्या आएगा, ऐसी अश मैच गिंदान। फिर तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा था मैं पोर सबक, ये कहता है कि मैंने सबक पढ़ लिया, ये हो चुका है काम, पास्ट में माजी, लेकिन यहाँ पे जब ये पढ़ रहा होगा प्रेजेंट में बात करेंगे, बुछुस सबक परान मतलब कि अभी पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस है, हाल है।
ओके इसी तरह आप मुझे एक जुमला बताएंगे प्रेजेंट टेंस का, अजकाल का मुझे एक जुमला बताएंगे जिससे जाहिर हो रहा हो कि ये फैल जो है, ये क्राउत जो है, ये काम कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। चलिए तीसरा इनवॉल्व काल, इनवॉल्व काल मुस्तकबिल जिसको कहते हैं, फ्यूचर जिसको कहते हैं, इनवॉल्व काल यो सुकाल यथ मज क्राउतिच हरकत या काम इन वालिस वक्त मज बयान ये कर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये गो सुकाल यथ मज क्राउतिच हरकत या काम इन वालिस वक्त मज बयान ये कर्म। ये वो काल, ये वो टाइम है, ये वो समय है जिसमें क्राउत की हरकत, क्राउत के काम आने वाले वक्त में बयान किए जाए। बात समझ में आ रही, यानी कि अभी इसने किया नहीं, ना ये कर रहा, ये आने वाले वक्त में करेगा, ये फ्यूचर में करेगा, फ्यूचर नाम ही है, इनवॉल्व काल आने वाला समय, आने वाला टाइम, मुस्तकबिल युगो सुकाल यथ मज क्राउतिच हरकत या काम इन वालिस वक्त मज बयान ये कर्म। मसलन खम गिंद पर, खम गिंद पर, अब देखो जुमलों में मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं इन लफ्जों को, बखम बात, यही जुमला मैंने यही जुमला लिखा हुआ है, मैं क्यों बात, ये यहां पे था कि इसने खा लिया, लेकिन जब हाल की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, बिशुस बात क्या हुआ, ये खा रहा है, फिर जब मुस्तकबिल की बात करेंगे बखम बात, अभी इसने खाया नहीं है, अभी इसने खाया नहीं, कहता कि मैं खाऊंगा आने वाले वक्त में खाऊंगा, तो ये क्या है, फ्यूचर। इसी तरह दूसरा मैंने यहां पर लिखा था ऐसी गुंद मैच, जब खेल लिया होगा, जब काम खत्म कर लिया होगा तो पास्ट होता है, ऐसी गुंद मैच। फिर इसी तरह ऐसी मैच गुंदान, ये था फ्यूचर में, अब जब इन्होंने खेला ही नहीं है अभी, ना स्टार्ट ही किया ना खेल रहे, फ्यूचर में खेलेंगे तो क्या आएगा, इस गिंदव मैच, इस गिंदव मैच, तो ये फ्यूचर है, इनवॉल काल मुस्तकबिल है। तीसरा सेंटेंस, मैं पोर सबक, बुछुस सबक परान, बुछुस सबक परान, ठीक है, ये पढ़ रहा है प्रेजेंट, अब बुपर सबक, अब ये यहाँ पे, अब ये नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ा है, अब कह रहा है कि बुपर सबक, मैं पढ़ूंगा, मैं सबक पढ़ूंगा, तो ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि प्रेजेंट पास्ट टेंस जो है ये क्या होता है, पास्ट टेंस में फैल जो है या क्राउड जो है वो जो उसने काम कर लिया होगा वो जाहिर होता है उसमें, और हाल में प्रेजेंट में क्या होता है, जो काम कर रहा होगा क्राउड, जो काम फैल कर रहा होगा वो दिखाया जाता है, वो बयान किया जाता है, और मुस्तकबिल में क्या होता है, जो फैल या क्राउड होता है वो आने वाले वक्त में काम करता है। ठीक है, आने वाले वक्त में जो भी काम करता है उसको बयान करता है, जैसे बिख्याम बात, इस जिंदो मैच, बुपार सबक, इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब आपके लिए टास्क क्या है, टास्क क्या है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसका एक जुमला, इसका एक जुमला और इसका एक जुमला, एक ही जुमला बनाइए जिस तरह मैंने तीन जुमले बनाए हैं, तीनों को मैं आगे लेके चला हूं। आप एक जुमला बताइए पहले पास्ट का, फिर उसी को कन्वर्ट कीजिए प्रेजेंट में, फिर उसी को कन्वर्ट कीजिए फ्यूचर में। तो ये था आपका टेंस, ये था आपका काल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कश्मीरी ग्रामर में। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना, ऐसे ही आप चार्ट बना ले, आप चार्ट बना ले, एक पेज पे ये सारा आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो, वीडियो नंबर 8। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाजत, अल्लाह।